बहुत समय पहले की बात है, हमारी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में बहुत सुख शांति थी। सभी विलेजर्स बहुत ही खुश थे क्योंकि हमारे राजा ने स्टीव ने इंडर ड्रैगन को मार दिया था। लेकिन दूसरे तरफ कुछ ऐसे प्राणी थे जिनके पास कुछ विचित्र पावरफुल शक्ति प्रदान थी। जॉर्ज ब्राइन दो पति पत्नी थे और उनका एक बेटा था हीरो। एक दिन हीरो के मन में विचार आया कि काश हम भी स्टीव की दुनिया का अनुभव कर पाते। हीरो जब उस दुनिया को दूर से देखता था तो उसे आनंदमयी वाली फीलिंग आती थी। हीरो ने ब्राइन से इस बारे में बात किया लेकिन ब्राइन ने साफ इनकार कर लिया कि हमें अनुमति नहीं। लेकिन उसे तो जाना ही था। ज़्यादा जिद करने पर ब्राइन ने उसे भले के लिए एक श्राप दिया कि अगर तुम गए तो कभी अच्छे से जी नहीं पाओगे, हमेशा भटकते रह जाओगे। इसके बावजूद भी जब ब्राइन घर से कहीं बाहर जा रहा था, उसके गैर मौजूदगी में हीरो ने घर से जाने का फैसला लिया और इसमें उसकी मदद की जॉर्ज ने। और अब क्या, अब हीरो की एक नई पहचान होने वाली थी, एक नई जन्म होने वाली थी स्टीव की दुनिया में। अब क्या था, हीरो की माँ उसे जन्म देने वाली थी। हीरो का जन्म होने ही वाला था और अब हीरो का जन्म हो चुका है और सभी बहुत खुश थे। लेकिन स्टीव को पता नहीं इस बारे में कैसे पता चल गया। उसने सबसे पहले उस विलेज के गोलेम को मारा और चला गया हीरो को देखने। और इसने हीरो को खिड़की से ही देखा और उसका खून पूरा गर्म हो चुका था। उसके बिना अनुमति के भी उसके वर्ल्ड में उसने कदम रखा, बिना मतलब परमिशन के। तो इसलिए उसने सबसे पहले उसका बेड तोड़ा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर उसने इसके माता पिता को भी बड़ी बहरहमी से मार दिया। और उसने फिर हीरो बहुत डर चुका था और वहाँ से कैसे कैसे जान बचा के भागा। अब हीरो पूरी तरह से अकेला हो गया था, उसके साथ अब कोई नहीं था। उसके माता पिता को भी स्टीव ने मार दिया और इसी का बदला लेने के लिए हीरो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते गया। उसने बहुत सालों से नहीं सोया था इसलिए उसकी आंखों की खून सूख गई। उसके बाद उसके आंखों में उजाला छाने लगा। उसके अंदर नींद के कारण इतनी हीट प्रोड्यूस हो गई थी कि एक दिन उसने जब जमीन को छू, हीट के कारण उसके चारों बगल मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट हो गई जिसके कारण उसमें बहुत सारी नेगेटिव पावर्स आ गई। उसके बाद होना क्या था, एक दिन और जब हीरो मतलब प्रैक्टिस करने के लिए रात में निकला तब बारिश हो रही थी और बारिश में तो थंडरस्टॉर्म गिरती ही है। ऐसे ही एक थंडरस्टॉर्म उसके ऊपर गिरी और उसमें वो वहीं बेहोश हो गया। निगेटिव पावर तो उसमें आ ही चुकी थी, साथ ही साथ उसे अब एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी मिल गया। अब हीरो हीरो ब्राइन बन चुका था क्योंकि ब्राइन के श्राप के ही कारण वह ऐसा बन पाया। हीरो ब्राइन इतना पावरफुल हो गया था कि जहाँ भी वह जाता वहाँ पे तबाही मचा देता। और तो और सूरज उग रही थी लेकिन फिर भी वहाँ पे रात हो चुका था, ऐसे इतना पावरफुल हो गया था हीरो ब्राइन। स्टीव के ही कारण वह आज तक नहीं सोया, इसलिए स्टीव को भी वह कभी कभी बीच नींद में उठा देता और गहरा डैमेज देता। वह इतना पावरफुल हो गया था कि माइनक्राफ्ट के डेवलपर्स ने भी उसे हटा दिया। लेकिन स्टीव से बदला लेने के लिए वह आज भी माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में आता है। हे गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को दो लाइक, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। और गाइस बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो यार, मिलते हैं सब वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।